हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सहारा रिफंड ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ इस तरह से दिक्कत हो रहा है, जैसे कि प्लीज़ इंटर वैलिड मेंबरशिप नंबर, तो इसे किस तरह से ठीक किया जाता है आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो का अंत तक पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ही मामूली सा प्रॉब्लम है जो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अगर आप भी अपने सहारा का फॉर्म रीसबमिट नहीं किए हैं तो दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं, अगर 50,000 रुपये मिलने जा रहा है। अगर आपको फॉर्म भरते समय इस तरह का एरर देखने को मिलता है, प्लीज़ इंटर वैलिड मेंबरशिप नंबर, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जब फॉर्म भर रहे थे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ इंटर वैलिड मेंबरशिप नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह के एरर देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखिए मेंबरशिप नंबर हम फिर से चेंज करते हैं तो भी ये चेंज नहीं होता। सही मेंबरशिप नंबर देने के बाद भी नहीं ले रहा है तो आप अपना सोसाइटी का नाम एक बार चेक कर लेंगे कि सोसाइटी का नाम कहीं गलत तो नहीं है। अगर सोसाइटी का नाम गलत रहेगा तो भी आपका इस तरह का देखने को मिल जाएगा इनवैलिड मेंबरशिप नंबर। अगर आप मेंबरशिप नंबर चेंज करके देखते हैं तो भी नहीं लेता है तो आप सोसाइटी का नाम एक बार ज़रूर देख लें कि आपका सोसाइटी का नाम तो गलत नहीं है, उसे एक बार चेक कर लें। जो सबसे ऊपर यहाँ पर सोसाइटी का नाम दिया हुआ रहता है, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपका सोसाइटी का नाम सही है या नहीं। सारा चीज़ भरने के बाद भी अगर आपका इस तरह का एरर नहीं हट रहा है तो आप अपने मैच्योरिटी डेट को यहाँ पर देख लेंगे कि आपका मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ या नहीं। अगर मैच्योरिटी डेट आपका पूरा नहीं हुआ है तो ये मेंबरशिप इनवैलिड ही दिखाएगा। तो आप जब मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन आपका ज़्यादा दिक्कत इसी में आएगा कि मैच्योरिटी डेट जिसका भी नहीं पूरा है उसका इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप अपना मैच्योरिटी डेट एक बार चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से आप नए तरीके से फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।